साउथ सिटी मॉल और वहाँ से जो लास्ट मोमेंट शॉपिंग होता है, फिर भी बाकी है थोड़ा सा, वो करने गई थी मैं। कुछ कुछ हो चुका है, मतलब ज़्यादा ही हो चुका है मेरा, 90% शॉपिंग हो चुका है, बस थोड़ा सा कुछ बाकी है। शॉपिंग तो मेरा हो चुका है, लेकिन आने के टाइम में इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैं पूरा भीग गई और सारे जो बाल कपड़े सब भीग गए हैं। और अभी तक घर पहुंच गई मैं, आधा घंटा हो चुका है, अभी तक वेदर वैसा ही है, बारिश थम गया है, रुक गया है, लेकिन जो है बाहर एकदम काला बादल छाया हुआ है। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे पापा के साथ, मेरे पापा आए हैं असम से, मदयानी तेजपुर से, तो उनके साथ मैं गई थी। साउथ सिटी में एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जब मैं वीडियो कर रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला कि वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मैं बस चुप चुप के थोड़ा सा ही वीडियो कर लिया, वही आपसे शेयर किया। मैं एक्चुअली वीडियो शूट नहीं करने वाली थी, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि मैंने पूजा में क्या क्या शॉपिंग किया है वो आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। एक्चुअली मैंने सिर्फ साउथ सिटी से नहीं, मैंने लेक मॉल से भी शॉपिंग किया है लास्ट वीक, और कुछ कुछ गड़ियाहाट से भी शॉपिंग किया है। बहुत सारे लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है, और मेरा खुद का भी ऑनलाइन बिजनेस है साड़ीज़ और दूसरे प्रोडक्ट्स का, तो उससे भी मैंने बहुत कुछ खरीदा है। वो सब मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, बस मैंने जो खरीदा है मेरे लिए वही बस मैं आपसे शेयर करूंगी, और मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है वो आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगी आज मैंने साउथ सिटी मॉल से क्या शॉपिंग किया है। मैं गई थी पैंटलून्स में, तो वहाँ से मैंने एक मैक्सी ड्रेस और दो टॉप्स खरीदा है, तो वो मैं पहले आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो ये है एक मैक्सी ड्रेस ब्लू कलर का, यहाँ पे आप देखिए दो सिल्वर जो कॉइन जैसा डिज़ाइन किया हुआ विथ ये जो है ये टेसल बोलते हैं ये लगा हुआ है। ये बहुत ही प्रीटी लगा इसलिए मैंने ले लिया है ये। जब मैं ये पहनूंगी तो मैं आपसे इसका पिक अगर अगर हो सकता है तो ज़रूर शेयर करूंगी। मैं ट्रायल रूम में मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने दो और टॉप्स लिया है आज। ये है एक टॉप, जस्ट कैजुअल एक वेयर है, सिंपल वाला एक टॉप। ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया, बस 499 का था। और ये एक और एक टॉप मैंने लिया है। जीन्स मेरा अभी तक लेना नहीं हुआ, लेने वाली हूँ, फाइनल लास्ट में लूँगी, बस टॉप ले लिया मैंने एक। इसका जो स्लीव्स है इसका स्टाइल मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, और पहनने में भी बहुत कम्फर्टेबल लगा, पहन के मैंने ट्राई किया था। कलर भी मुझे ये वाला कलर मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये वाला टॉप ले लिया। अभी बारी है और एक मैक्सी ड्रेस का, जो मैंने मैक्स से ख़रीदा है, लेक मॉल कोलकाता का लेक मॉल से ख़रीदा है। ये थोड़ा सा अलग लगा मुझे, एक बहुत ही स्वीट सा कलर है, बेज कलर, ऐसा एक अनारकली टाइप मैक्सी ड्रेस है, स्लीवलेस है ये। यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा जरी वर्क किया हुआ है कलरफुल, ये भी अच्छा लगा। उसके साथ में एक जैकेट है, मल्टी कलर जैकेट जैसा है, इसके ऊपर में पहनना है मुझे लॉन्ग जैकेट, ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लगा इसलिए मैंने ये लिया है, ये मैक्स से लिया है मैंने। मैं आपसे और एक यूनिक कलेक्शन शेयर करूंगी। एक बहुत दिनों से मैंने सलवार सूट का जो सेट एक साथ में दुपट्टा देके नहीं खरीदा है, इस बार मैंने खरीदा है। हर टाइम कुर्तीज़ और लेगिंग्स ये सब भी पहनना हो जाता है, तो इस बार थोड़ा अलग लिया है एक कलेक्शन। मेरे पापा ने जो पैसा दिया था उसी से मैंने लिया है। तो ये है एक सूट, एश कलर का, ब्लैक भी आपको ब्लैक लग रहा है लेकिन ये एश कलर का एक सूट है। यहाँ पे बटन्स लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके साथ है पैंट। ये पैंट जो है पलाजो टाइप है दिखने में, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसके नीचे जो है एक ऑलरेडी एक
प्लाजो टाइप का एक ऐसा पैंट है, और उसके ऊपर में और एक ऐसा स्ट्राइप में एक आता है, तो पैटर्न जो है थोड़ा डिफरेंट लगा, इसलिए मैंने लिया है। और बहुत दिनों से मैंने पैंट और सूट का सेट एक साथ में, और उसके साथ दुपट्टा भी है, तो फुल सेट मिल गया मुझे। बस 1600 लिया इसका प्राइस, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया, और थोड़ा सा डिफरेंट भी है दिखने में, तो ये भी सूट मुझे बहुत मतलब अच्छा लग गया, इसलिए मैंने ले लिया। और अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, बिग बाज़ार में डिस्काउंट चल रहा था, तो तभी मैंने दो कुर्ती ले लिया है। ये एक लिया है येलो कलर का, और ये एक लिया है स्काई ब्लू कलर का। ये जो स्काई ब्लू कलर का कुर्ती है, ये बस 599 ही लिया है इसका प्राइस। बहुत ही अच्छा लगा। फ्रंट जो पोर्शन है वो ऐसा होता ऐसा है ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, और लोअर पोर्शन जो है इसमें टैसल लगा हुआ है, और ऐसा जो है वर्क किया हुआ है, सिंपल है, इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ। और येलो कलर का जो है उसका प्राइस लिया है 499। इसमें बस जो ऊपर का पोर्शन है उसमें ऐसे सीक्वेंस का काम किया हुआ है, और लोअर पोर्शन जो है वो सिंपल है। तो फाइनली मैं अभी आपसे शेयर करूंगी मुझे गिफ्ट्स में क्या क्या मिला। एक्चुअली बहुत सारा पैसा भी मिला, तो उससे शॉपिंग अभी बाकी है और नहीं हुआ है, लेकिन जिन्होंने मुझे कपड़ा दिया है तो वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। तो मुझे ये जो है ये एक पीच कलर का एक अनारकली टाइप सूट है, फ्रंट से ऊपर से नीचे तक कट किया हुआ है, और यहाँ पे बटन्स लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं, और जो इसके साथ एक पैंट है जो आजकल मिलता है पेंसिल पैंट बोलते हैं, वैसा शेप का कभी भी नहीं पहना है मैंने, फर्स्ट टाइम पहनूंगी। इस आशा करती हूँ अच्छा लगेगा, पता नहीं, पहन के मैं आपसे फोटो ज़रूर शेयर करूंगी। और इसका कलर जो है पीच कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो मटेरियल है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, ये मेरे अंकल ने मुझे दिया है। और एक मिला है गिफ्ट मुझे, वो है ढाकेश्वरी आदि ढाकेश्वरी वस्त्रालय, ये जो कलकत्ता का बहुत ही फेमस शॉप है जो गड़ियाहाट में है, वहाँ से मुझे एक प्योर सिल्क साड़ी गिफ्ट में मिला है। ये मुझे मेरी कजिन मतलब दीदी ने दिया है। इसका कलर रस्ट कलर का है, और इसके अंदर में जो पल्लू है, पल्लू का कलर जो बेज कलर, उसके ऊपर ब्लैक कलर से काम किया हुआ है, ये भी अच्छा लगा मुझे। गिफ्ट तो सभी लोगों को अच्छा लगता है, गिफ्ट मिलने से बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट वीक मैं गड़ियाहाट मार्केट जो कोलकाता का बहुत ही फेमस मार्केट है वहाँ पे गई थी, ज्वेलरी से ये सब थोड़ा थोड़ा जो भगवान के लिए जो साड़ीज वगैरह ये सब खरीदने गई थी पूजा के टाइम में, तो भगवान को भी नया जो सभी ड्रेस पहनाते हैं तो वो सब मैंने खरीदा, और ज्वेलरीज भी खरीदा। ये एक खरीदा मैंने इयररिंग, जो ब्लू कलर का ड्रेस है उसमें जो कॉइन जैसा लगा हुआ है तो उसके साथ सिल्वर ही मैच होगा, तो इसलिए मैंने ये इयररिंग लिया है। कॉइन जैसा मुझे मैं ढूंढ रही थी नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने ये वाला ले लिया, ये थोड़ा सा यूनिक लगा तो ये ले लिया मुझे मैंने। और मैंने लिया है दूसरा जो मैक्सी ड्रेस है उसके साथ, वो मल्टी कलर्ड है, उसके साथ मैंने ये मीनाकारी काम किया हुआ जो है ये इयररिंग, ये भी ये ले लिया है। उसके साथ जो जैकेट दिया हुआ मैक्सी ड्रेस है उसके साथ मैं ये पहन सकूँगी। तो बस यही है मेरा शॉपिंग, और भी कुछ और भी बाकी है, अगर हो सकता है मैं वो सब भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरा ये जो मैंने क्या क्या खरीदे इसमें से कौन सा अच्छा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलिएगा कौन सा सबसे अच्छा हुआ। मुझे तो ब्लू ड्रेस जो है वही सबसे अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा ये इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड बाय।